अभी है भाई हमारे पास दो आर्मरेस्ट, आप देख सकते हैं दोनों के दोनों बेज कलर में हैं। ये है लेटेस्ट वाली अर्टिगा के लिए, ये है ओल्ड अर्टिगा के लिए। तो दोनों का एक डिफरेंस दिखाते हैं आपको। इसकी फिटिंग की वीडियो जो है कैसे इंस्टॉल करना है वो हम पहले बना चुके हैं, चैनल पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। खाली सेंटर कंसोल के ऊपर रखना होता है और कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत सिंपल है। इसकी डिटेल वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, खाली ये भी सेंटर कंसोल के ऊपर रखना होता है। दोनों के अंदर डिफरेंस दिखाते हैं आपको। और अगर कलर ऑप्शन की बात करें तो एर्टिगा में ज्यादा बेज ही चलता है, ब्लैक का ऑप्शन और मिल सकता है लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बेज कलर ही बिकता है। अब आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हो कि मॉडल के हिसाब से कैसे आर्मरेस्ट की शेप अलग हो जाती है। अगर यूनिवर्सल होता तो सब एक जैसा ही होता देखने में। अब देखिए ये वाला जो आर्मरेस्ट आप देख पा रहे हैं, ये आर्मरेस्ट है ओल्ड वाली अर्टिगा के लिए, ये प्रॉपर ओल्ड अर्टिगा के लिए है। खाली सेंटर कंसोल के ऊपर रखना होता है, रखते ही बिल्कुल फिट हो जाएगा और कुछ इस तरह का होगा ये। ऊपर इसके यहाँ पे होगा रैगजिन और इसके अंदर डली होती है अच्छी खासी फोम। ये है अंदर इसके स्पेस, देखिए अच्छा खासा सामान वगैरह, मोबाइल वगैरह, पर्स वगैरह आप इसके अंदर रख सकते हो और बिल्कुल प्रॉपर बना होगा ओल्ड वाली एर्टिगा के लिए कुछ इस तरीके से। लेकिन जब बात आती है लेटेस्ट एर्टिगा की तो देखिए पूरा चेंज हो जाता है। अब दोनों के अंदर आप डिफरेंस देख सकते हो कि इनके साइज में ही कितना डिफरेंस, आप देखिए यहाँ से कुछ ये इतना है और ये इसका साइज कितना बढ़ जाता है। ये वाला जो है लेटेस्ट एर्टिगा के लिए है, सेम जो है कपड़ा वगैरह तो वैसा ही होता है, सिलाई वगैरह डबल स्टिच सेम वैसी होती है जैसी इसकी है, लेकिन साइज में देखिए कितना डिफरेंस आ जाता है। जो इनका साइज है ये भी इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी गाड़ी के लिए ले रहे हैं। जैसे ओल्ड अर्टिगा के अंदर जगह कम है तो उसी हिसाब से छोटा है, अगर लेटेस्ट अर्टिगा की बात करें तो साइज ज्यादा है तो उसके हिसाब से इसमें बड़ा साइज ऊपर बन जाता है और अंदर का स्पेस भी उसी हिसाब से चेंज हो जाता है। आप देखेंगे तो इसकी जो है वो ऐसे जो चौड़ाई है वो कम है जबकि इसकी चौड़ाई जो है वो ज्यादा है। ये टोटली डिपेंड करता है सेंटर कंसोल के साइज के ऊपर कि कितना बड़ा सेंटर कंसोल किस गाड़ी में है। 100% प्रॉपर है ये वाला ओल्ड अर्टिगा के लिए, ये वाला लेटेस्ट अर्टिगा के लिए। तो देखिए अंदर इसके अंदर कुछ ऐसा स्पेस है, मतलब इससे स्पेस कम है, अगर आप देखेंगे तो इसमें स्पेस थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन इसकी यहाँ से जो चौड़ाई है ये कम होती है और इसके अंदर यहाँ स्पेस थोड़ा कम है लेकिन चौड़ाई इसकी जो है वो ज्यादा है। और कुछ इस तरीके से ये बना होता है, प्रॉपर हैंडब्रेक वगैरह के लिए जगह है। यहाँ पे हो गया इसका ऊपर का हिस्सा हाथ रखने वाला जो दोनों तरफ से भी आराम से यूज किया जा सकता है क्योंकि अच्छी खासी चौड़ाई जो है वो इसमें मिल जाती है। कुछ इस तरीके से ये आपको देखने में लगेगा और बैक साइड से जब आप देखते हैं तो फिर कुछ ऐसा ये दिखाई देगा। प्रॉपर है लेटेस्ट एर्टिगा के लिए, वो ओल्ड एर्टिगा के लिए। वैसे इसको लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, खाली सेंटर कंसोल के ऊपर रखना होता है, रखते ही अपनी बिल्कुल शेप ले लेगा। और अगर आपको लगे कि इसमें कुछ हिलने वगैरह की प्रॉब्लम है, 99% कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपको लगे तो इस तरह के कुछ स्क्रू जो होते हैं, चाइना स्क्रू बोलते हैं इनको, ये इनके साथ आते हैं जो आप यहाँ से लगा सकते हैं अगर आपको बाद में कभी जरूरत हो तो। 99% जरूरत नहीं होती है लेकिन स्क्रू आपको इसके साथ में मिलेंगे। तो ये वाला आर्मरेस्ट है लेटेस्ट एर्टिगा के लिए, खाली सेंटर कंसोल के ऊपर रखना है, रखते ही ये हो जाएगा उसके ऊपर फिक्स। और शेप और साइज आप देख सकते हैं इसका कुछ ऐसा होता है। ये वाला है ओल्ड अर्टिगा के लिए, ये लेटेस्ट अर्टिगा के लिए। अगर किसी और गाड़ी के लिए चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगा लेकिन उसका जो शेप और साइज है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का है फिलहाल ओल्ड अर्टिगा, लेटेस्ट अर्टिगा। परचेज लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, कोई अगर क्वेरी रह गई हो तो कमेंट करके आप उसकी डिटेल हमसे ले सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।